हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर का समरी रिवीजन करने वाले हैं। समरी करेंगे हम इसमें सारा का सारा, जिससे कि हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सके इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। सो वी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ये एसिड है, सबसे पहले हम एसिड में से पढ़ते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स को हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिड्स आर सार इन टेस्ट। जितनी भी एसिड्स हैं वो टेस्ट में खट्टी होती हैं, और जो भी हम खट्टे मटेरियल हैं हमारे आसपास या हमारे किचन में या सराउंडिंग में जो खाते हैं, जिसमें ऑरेंज है, लेमन, टार्टरिक एसिड आदि मिलती है, इमली में जैसे टैमरिंड है, विनेगर और सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड है, तो ये सारे कर्ड है, इन सब में जो सॉर है, सॉर टेस्ट है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है? ये जो टेस्ट है ये एसिड की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल एसिड्स एंड आर्टिफिशियल एसिड्स और उनके यूजेस भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एसिड्स की। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला सॉर टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं। इट डजंट मीन दैट वी विल टेक देम इन अवर माउथ, हम उनको अपने मुंह में ले, ऐसा नहीं है, वो वैसे ही सार होते हैं। और उनको टेस्ट करना, नॉट टेस्ट, टेस्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं कि कैसे पता चले कि ये कंपाउंड एसिड है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर है और भी कई है, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में इस टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। और पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा? सबसे बेसिक जो है कॉमनली यूज इंडिकेटर कौन है? लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन हो सकता है या लिटमस पेपर। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोरोसिव। एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, मींस हार्मफुल होते हैं। इफ वी विल टच देम वी विल बी हार्म, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचेगा। सो वी शुड नॉट नेवर टच देम, ओके। एंड कोरोसिव नेचर में वो मेटल के साथ या अदर जो कोई भी मटेरियल है, प्लास्टिक है, इनके साथ वो कोरोजन क्रिएट करती है और ऑब्जेक्ट को कोरोड कर देती है। सो दे आर कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट दे गिव्स हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के ही प्लस साइन लगने का मतलब हाइड्रोजन आयन है, गिव्स इन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर दे गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड दे आर कंडक्टर्स। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। मोस्टली एसिड जो है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है और सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि सोडियम इज अ मेटल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl प्राप्त होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मीन्स CO3। कार्बोनेट्स के साथ एसिड क्या देता है? मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। हमें इन प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज है इनमें, एक तो मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ और बेस के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है। तो मेटल के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट के साथ HCl एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करती है। फिर व्हेन दीज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के जैसे कोई मेटल ऑक्साइड हो, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर कॉपर सल्फेट का सॉल्ट और वाटर हमें देगी। ये एक इसका प्रॉपर्टी है। अनदर प्रॉपर्टी इज व्हेन एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उस एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज भी करते हैं, तो जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और व्हेन दे रिएक्ट, NaOH क्या है? एक बेस है,
और ये एसिड है, एसिड बेस अपोजिट एक दूसरे के रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर को रिलीज करते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये दीज आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम पढ़ते हैं यूजेस, एसिड के इस्तेमाल कहाँ होते हैं। हम वैसे तो डेली लाइफ में एसिड को यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए भी और लैब लैब में तो यूज होता ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 और H2SO4 जो एसिड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्लांट से मिलती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है हमारी सराउंडिंग में। तो HCl, HNO3, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, एंड H2SO4 सल्फ्रिक एसिड है। इनके यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में, क्लीनिंग बॉयलर्स, डाइजेशन में HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा सिंक क्लीनिंग में, टॉयलेट्स में, ये टॉयलेट्स में काफी जो एसिड यूज होते हैं, स्पेशली नाइट्रिक एसिड जो है वो गोल्ड को क्लीन करने में और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होती है प्लांट्स को। फिर सल्फ्रिक एसिड जो है वो सेल्स में प्रेजेंट, इन सेल्स, कार्स एंड बैटरीज। सो दिस वॉज अबाउट एसिड्स, एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बेस। व्हाट आर बेसिस? बेस को भी हम ऐसे ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। नाउ बेसिस, बेस जो है बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, और उसके बाद उनको पहचाने कैसे अगर वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो उसके लिए जैसे एसिड के लिए इंडिकेटर्स है, वही इंडिकेटर जो है वो बेस के लिए यूज होता है। बट जो लिटमस पेपर है, यह बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ का इंडिकेशन क्या है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं, वही फिनोफ्थलीन जो इनका एक इंडिकेटर होता है उसको पिंक कर देते हैं। और फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वो कलरलेस रहता है। फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक हो जाता है, जो कि नेचुरली वो कलरलेस है। और अगर हम बेसिस को टच करके देखेंगे, पानी में इनका सॉल्यूशन बना के देखेंगे, तो ये सोपी एंड स्लिपरी होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेन चार फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे बेस और एसिड, जैसे एसिड के लिए हमने पढ़ा था कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर करेंगे, जिसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये एक दूसरे के असर को, इसलिए इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली सॉल्ट और बेसिस और मेटल जो है, मेटल के साथ बेस रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, बेस व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, बेस जो है वो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो इसके साथ रिएक्ट होगी, ये बेस है और यहाँ पे ये मेटल नॉन मेटल की ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर हमें ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है यूजेस, यूजेस ऑफ बेसिस। बेस का जो यूज सिंपल है कि ये वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट्स में यूज होता है, सोप बनाने में काम आता है, शैम्पूज में यूज होता है। वहीं इसका अदर कुछ बेसिस, कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनमें जिनको एंटासिड, जब एसिडिटी होती है तो जो मेडिसिन हम लेते हैं एसिड को, स्टमक में एसिडिटी को दूर करने के लिए, वो जो मेडिसिन होती है वो बेस होते हैं, स्पेशली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक और इस्तेमाल होता है बेस का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है सॉइल की एसिडिटी, फार्मर्स यूज करते हैं एसिडिटी ऑफ सॉइल को रिमूव करने के लिए, सॉइल को नॉर्मल करने के लिए, क्रॉप के लिए सुटेबल करने के लिए। वहीं एंटासिड के रूप में एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमारे जो बेस है वो इस्तेमाल होता है, लैब में तो इनका इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड एसिड्स विच आर वीक, एंड सम बेसिस विच आर स्ट्रॉन्ग एंड सम बेसिस विच आर वीक। सो एसिड्स
विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू गिव आयंस, जो पूरी तरह से आयंस प्रोवाइड कर देती है सॉल्यूशन में, वो एसिड जो होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, वो एसिड्स होती हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो पार्शियली डिसोसिएट होती है आयंस में, जैसे एसिटिक एसिड होती है, वो वीक एसिड होती है। वीक एसिड में एसिटिक एसिड, विनेगर है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू टच। सिमिलरली जो बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में कैरेक्टराइज होते हैं, कैटेगराइज होते हैं, और वीक बेसिस भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो आयनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली और हाइड्रोक्साइड आयन में OH आयन प्रोवाइड करते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के। वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होता है, क्यों, क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज होता है। वही सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बनते हैं उन सॉल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, और जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड इस्तेमाल होता है, उस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्ट करके जो सॉल्ट देंगे वो कहलाएंगे बेसिक सॉल्ट। जहां पे बेस स्ट्रॉन्ग यूज होगा तो बेसिक सॉल्ट, और एसिड स्ट्रॉन्ग यूज हुई तो एसिडिक सॉल्ट, और जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वो न्यूट्रल सॉल्ट होता बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स और सब सॉल्ट्स, जिसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सम सॉल्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो एसिड और बेसिस में सॉल्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है उसको नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाया जाता है, प्रिपरेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, 20% ऑफ NaCl सोल्यूशन जो होता है उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। When electricity is passed through an aqueous solution of 20% of NaCl, 20% of NaCl में से जो कि ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो क्या बनता है, वो प्रोसेस कहलाता है क्लोर अल्कली, और प्रिपरेशन की रिएक्शंस मैंने इधर लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। सो डिकम्पोजिशन हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। फिर रिएक्शंस क्या होती है, सोडियम क्लोराइड का जो ये एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि क्या कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन, 20% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं। इस रिएक्शन में आगे क्या होता है, ये सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स सोडियम आयन बन गए, और ये कैथोड और एनोड पे अलग अलग जमा हो जाते हैं। तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मेन प्रोडक्ट जो होता है इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि कैथोड के नीचे, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो हमें प्राप्त होता है। और जो ये क्लोरीन बनती है, क्लोरीन और जो सोडियम बना है इनका भी अपना अपना इस्तेमाल है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो प्रोपेलेंट में, रॉकेट प्रोपेलेंट में इस्तेमाल की जाएगी, और क्लोरीन जो है वाटर ट्रीटमेंट में, पानी का जो प्योरिफिकेशन होता है उसके लिए क्लोरीनेशन होता है वाटर का, उसमें इस्तेमाल होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप एंड डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स के प्रिपरेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर
एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम. स्लेट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब स्लेट लाइम हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लेट लाइम कभी वो क्विक लाइम आ जाता है, कभी एक और है कौन लाइमस्टोन. इनके फार्मूले जो है उनको कैसे याद करना है, लाइमस्टोन को कैसे आप ट्रिक बनाओगे. क्विक लाइम मतलब जल्दी से क्विकली बोला जा रहा है, क्विक लाइम तो आप इसको लिखोगे सी ए ओ. स्लेट लाइम तो सी ए ओ नहीं है, वो सी ए ओ एच टू. लाइम स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, मार्बल एक पत्थर है जो कि लाइम स्टोन कैल्शियम, तो इसके लिए हम सी ए सी ओ थ्री. ये तीन है जो कैल्शियम के साथ जुड़े हुए हैं, कंपाउंड है. तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम सी ए ओ सी एल टू इसका फॉर्मूला है. और एक्शन ऑफ क्लोरीन का स्लेट लाइम पे क्लोरीन एक्शन के बाद ये हमें प्राप्त होता है. इसकी रिएक्शन है क्लोरीन, दिस इज स्लेट लाइम. एंड वी आर गेटिंग हियर सी ए ओ सी एल टू एच टू ओ. यूजेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन, इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वुड पल्प पेपर मेकिंग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में. और डिसइंफेक्टेंट जो इससे क्लोरीन होती है वो वाटर को ड्रिंकिंग पानी पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, ये हमारे किचन में इस्तेमाल होता है. इसके यूजेज है मेकिंग बेकिंग पाउडर एंटासिड के रूप में भी और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये उसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल होता है. इसका क्वेश्चन आता है कि एक सॉल्ट है जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल होता है और उसको ऐसे रिएक्शन के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस निकलती है जो कि लाइम वाटर को मिल्क कर देती है. और फिर इस प्रकार का इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है. तो हमें ये फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल है, सोडियम है ही इसके नाम में, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो यहाँ पे सोडियम फार्मूला कैसे याद होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड का वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो पास किया जाए इसमें से, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऑब्टेन हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट सॉल्ट.